खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जहां एक तरफ योगी सरकार आए दिन प्रदेश में बढ़ते क्राइम की घटनाओं को लेकर बार बार पुलिस विभाग को कड़ी चेतावनी दे रही है जिससे प्रदेश में बढ़ती क्राइम की घटनाओं में गिरावट लाई जाए, लेकिन यूपी पुलिस का खौफ बदमाशों में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और बदमाश दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा घटना बस्ती जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के चैनपुरवा ओवर ब्रिज की है, जहां फल व्यापारी ओसामा उर्फ सुल्तान मंडी से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में पैसे से भरे बैग को बाइक सवार दो बदमाश छीनने लगे और जब ओसामा ने मदद के लिए आवाज लगाई और अपना पैसे भरा बैग नहीं छोड़ा तो अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायर झोंक कर फरार हो गए। गोली की तड़तड़ाहट से पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का पूरा इलाका गूंज गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहीं सीओ सिटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घटना चैनपुरवा ओवरब्रिज के पास की है, जहां फल व्यापारी मंडी से वापस जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने हमला बोल दिया, लेकिन सफल न होने पर फल व्यापारी ओसामा के ऊपर फायर झोंक कर फरार हो गए। घायल व्यापारी का इलाज चल रहा है, स्थिति खतरे से बाहर है, विधिक कार्यवाही की जा रही है, अतिशीघ्र घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। मंडी से अपने आ रहे थे हम, बैग था मेरे पास, तेल भरा के निकले आगे, दो लड़के खड़े थे वहाँ पे, फिर मेरा बैग छीनने की कोशिश की है, बैग नहीं छीन पाए तो हाथ पे गोली मार दी। कैसे थे वो लोग? वही थे 20 से 25 मिनट। किस गाड़ी से? कहाँ पे हुई घटना? ये मनोहरी चौराहा। किस कलर की गाड़ी थी? व्हाइट कलर की। अपाची नंबर देख पाए? नहीं सर कुछ। क्या बजे की बात है ये? अभी आधे घंटा पहले। आधा घंटा पहले सर। क्या नाम है आपका? सुल्तान अली। पिताजी क्या घटना हुई? कहाँ पर? घटना में जैसे हमारे पास सूचना आई कि हमारे दोस्त को भतीजे को गोली लग गई, हम भागते हुए हॉस्पिटल आए। उसके बाद मैं कॉल किया अपने दोस्त को जो हमारे पत्रकार भाई हैं काशिफ भाई, तो उन्होंने सूचना जो एसओ साहब को दिया कि वहाँ पे खड़िया के पास जो ओवर ब्रिज है रेलवे क्रॉसिंग पे, वहाँ पे एक बच्चे की गोली मारकर उसके बैग को छीनी गई और जिसमें कुछ मंडी से जो कैश लेकर निकला हुआ था उसके ऊपर कैश देकर उन लोगों ने हमला कर दिया। वारदात यही है कि बच्चा बहुत सीरियस है, उसको लखनऊ के जीएमसी के लिए रेफर किया गया है। ठीक है। आज दिनांक 14/10/2021 को सुल्तान अली कुदरती कंधा निवासी चौथैया थाना कोतवाली बस्ती, जो कि मंडी समिति या मोहल्ली में आरती का कारोबार करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पैशन से अपने घर वापस आ रहे थे तो रानी बस्ती क्षेत्र में फ्लाईओवर पर दो अज्ञात बदमाशों ने पीछे से मोटरसाइकिल से आके इनके से झोला छीनने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर इनको फायर मार के घायल कर दिया। इनको जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रिफर कर दिया गया, जो कि अब खतरे से बाहर है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभी पंजीकृत कराया जा रहा है। समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।